पूरी दुनिया में मशहूर इलाहाबादी अमरूद के ऊपर इस बार मौसम की मार देखी जा रही है। अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि इस बार सर्दी के इलाहाबादी अमरूद में वह स्वाद नहीं रहेगा जो हर साल मिला करता था। इस बार के इलाहाबादी अमरूद स्वाद में फीके रहेंगे, जबकि गुणवत्ता में भी काफी कमी आएगी। यह सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण प्री मॉनसून है, साथ ही साथ बारिश के मौसम में अमरूदों की ज्यादा पैदावार होना भी बताया जा रहा है, जिसके चलते सर्दियों में जो गुणवत्ता वाले अमरूद होते थे उनमें अभी तक फूल भी नहीं आए हैं। जिन पेड़ों पर अमरूद लगे भी हैं तो उसमें गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है। सार्वजनिक उद्यान के प्रभारी प्रशिक्षण अधिकारी वीके सिंह का कहना है कि अगर बरसात के दौरान हुए अमरूदों को यूरिया के द्वारा उनके फूलों और फलों को नष्ट कर दिया गया होता तब सर्दियों में अमरूदों की पैदावार अधिक होती और मिठास भी होती, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते अमरूदों के फूल पहले ही आ गए, जिसकी वजह से सर्दियों में बिकने वाले अमरूद कम रहेंगे और उनमें वह मिठास भी नहीं रहेगी, जिससे इलाहाबादी अमरूदों की अलग पहचान पूरी दुनिया में बनी है। उधर किसानों की बात माने तो उनका भी यह कहना है कि बरसात में अधिक अमरूद की पैदावार हो जाने के चलते सर्दी के अमरूद कम रहेंगे, साथ ही हवा में फैला प्रदूषण को भी इसका बड़ा कारण बता रहे हैं। किसान बेहद परेशान है क्योंकि इस बार अधिक फसल न होना उनके लिए चिंता बनी हुई है। संगम की नगरी प्रयागराज की धार्मिक पहचान यहाँ का संगम है, तो आर्थिक पहचान यहाँ का वो इलाहाबादी अमरूद है जो अपनी मिठास और गुणवत्ता की वजह से पूरे देश और विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। कारण है बिल्कुल सेब जैसा स्वाद और तमाम बीमारियों से निजात। इसे विस्तार देने के लिए तमाम दूसरे शहरों की नर्सरियां लगी, लेकिन इलाहाबादी माटी की उपज जैसे स्वाद कहीं नहीं मिला। लेकिन इस बार उत्तर भारत में प्री मॉनसून की दस्तक, साथ ही साथ अधिक बारिश होने के कारण इलाहाबादी अमरूद की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। सार्वजनिक उद्यान के प्रभारी प्रशिक्षण वीके सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार के अमरूद फीके रहेंगे, जबकि पैदावार में भी काफी असर देखा जाएगा। हालांकि अधिकारी वीके सिंह का कहना है कि आगे आने वाले सालों में अमरूदों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने एक मैप भी तैयार किया है, जिसमें वह जल्द ही कमिश्नर और उच्च अधिकारियों से मिल करके अमरूद पर पड़े असर को कैसे खत्म किया जाए इसका भी ब्यूरो देंगे। अमरूदों की फसल में गुणवत्ता कैसे लाए इसके लिए जल्द ही किसानों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, अमरूद तो काफ़ी प्रभावित होगा इस बार भी, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा प्रभावित होगा। उसके मुख्य कारण है कि समय से पहले जो बारिश शुरू हो गई थी उसके कारण बरसात की फसल ज़्यादा हो गई, तो जब बरसात की फसल ज़्यादा होगी तो सर्दी की फसल स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि जो फल मक्खी का कीड़ा है, वो भी फल मक्खी का कीड़ा बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब वो लगातार इंटरवल पे बारिश होती रहती है तो वो पूरे साल यानी जुलाई से ले करके और मार्च तक अमरूद का फल जो है वो पौधों पे रहता है, तो कीड़ा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे फल में शिफ्ट होता जाता है। इस कारण से जो सर्दी की फसल है वो काफ़ी प्रभावित होगी, जो अगर इसका किसानों ने नियंत्रण नहीं किया तो निश्चित रूप से अमरूद का फल खाने वाले लोग काफ़ी चिंतित होंगे और परेशान होंगे। देखिए, हम लोगों ने इसके लिए तैयारी कर रखी है कि पूरे साल का एक प्लान तैयार कर रहे हैं। अभी आयुक्त महोदय के समक्ष हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं, उपनिदेशक उद्यान मुख्य उद्यान विशेषज्ञ के साथ हम लोगों ने बैठक की है और एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस चीज़ की समस्या से हम लोग बच सकें और अमरूद की फलपट्टी को बचा सकें, इलाहाबाद के विश्वविख्यात अमरूद को बचाया जा सके। उधर अमरूदों के किसान का कहना है कि अमरूदों की हर प्रजातियों पर असर देखा जा रहा है। अधिक बारिश होने के चलते साथ ही साथ वायु प्रदूषण की वजह से फल में कीड़े का असर देखने को मिला है। पिछले साल के मुताबिक इस बार अमरूद के फल कम आए हैं, साथ ही जो आए भी हैं उनमें मिठास की कमी है। इस बार अमरूदों के पेड़ों और पत्तों पर भी कीड़े लगे हुए हैं। बरसात ही ज्यादा लग चुके हैं, इसी वजह से अब की बार सीजन में फल नहीं आ रहा है, यही वजह से कम फलते हैं। सीजन वाला कम फलता है, बरसात में ज़्यादा फलते हैं इसीलिए कम फलते हैं। प्रदूषण तो है ही है, कीड़े लग रहे हैं पेड़ में, फल में कीड़े हैं एकदम, जो निकल भी रहा है दो चार दस उसमें भी कीड़े हैं एकदम, कहिए तो दिखा दें पड़ा हुआ है।
अब जब फल ही नहीं तो कोई नुकसान का सवाल क्या है, जो सीधा ही सीधा चलेंगे, जब फल ही नहीं तो क्या है, नुकसान तो है ही है, बिजनेस वाला आदमी करेगा क्या। इससे पहले कभी ऐसी हालत थी? नहीं, ऐसी तो कभी कदार होती थी, मगर इतना नहीं होता था कि पूरा का पूरा ही फल ना आए या नुकसान हो, इतना पहले नहीं होता था। आपको बता दें, इलाहाबाद में अमरूद की प्रसिद्ध किस्में हैं। इनमें इलाहाबादी सफेदा अमरूद के अलावा लाल गूदे वाला चित्तीदार, करेला, बेदाना, अमरूद सेबिया, सुर्खा, श्वेता, पंत, प्रभात, L39, संगम व ललित इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। इलाहाबाद और कौशाम्बी में सुर्खा, सेबिया और सफेदा अमरूद की उपज होती है। वहीं इलाहाबादी सुर्खा और सफेदा की डिमांड पूरी दुनिया में है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।